الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاني ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله الله الله. मेरा नाम इरफान महमूद बरक है, लाहौर में मैं रहता हूँ और शोबा सहाफ़ों से मेरा ताल्लुक है। मुख्तलिफ अखबारात, इस्लामी जराइद रसाइल, उसमें आर्टिकल्स भी लिखता हूँ जी। हमारे ख़ानदान में जो कादियानियत का जो सिलसिला है वो मेरे दादा से शुरू हुआ। बचपन के ज़माने में उन्होंने कादियानियत को कबूल कर लिया। कोई इल्म नहीं था, मालूमात नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे। जस्ट मिर्ज़ा कादियानी को मुजद्दद की हैसियत से मान लिया और उसके हाथ पे बैत कर ली। अब कादियानी मेरे दादे को नऊज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे, क्योंकि इनका मजहबी अकीदा है कि जिस किसी ने मिर्ज़ा कादियानी को मर्ज़ियत की हालत में देख लिया, उस पर ईमान ले आया, तो वो कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह वो सहाबी रसूल के दर्जे पे फायज हो जाता है। तो मैंने भी इसी माहौल में आँख खोली। मेरे दादे को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। हमारा खालिस्तान एक मजहबी घराना अहमदियत के हवाले से मशहूर था। हमें एक मुखलस अहमदी के तौर पर जाना जाता था। तो इसी घराने में मैंने भी आंख खोली। जब शौर की आंख खोली तो गिरदोनवा मैंने सारा यही कादियानियत का माहौल देखा। इसमें यह था कि काफ़ी वजूहात थीं जो मेरे कबूल इस्लाम के लिए कारगर साबित हुई। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे अहले मोहल्ला का रवैया वो बड़ा अहमियत का हामल है, क्योंकि बचपन के ज़माने में मैं अक्सर हमारे मोहल्ले वालों से ये बात सुनता कि वो हमारे बारे में कहते कि आप लोग जो कादियानी हैं, अहमदी खुद को कहते हैं, आप मुसलमान नहीं हैं। तो मैं सोचता कि जब हम कलिमा वही पढ़ते हैं, नमाजें वही पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सारे दीन इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, तो फिर क्या वजह है कि ये लोग हमें मुसलमान मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? हमारे अहले मोहल्ला हमारा बाइकाट करते, अगर हमारे मोहल्ले में कोई तकरीब होती खुशी की, उसमें हमें मदु ना किया जाता, किसी भी किस्म के मामलात में हमें हमारी मुदाखलत जो है वो उसको बर्दाश्त ना किया जाता। तो एक तो ये मेरे जहन में एक बात क्लिक की कि क्या वजह है कि ये लोग बावजूद इसके कि इसमें बड़े बड़े नेक लोग हैं, जस्ट अगर बात होती हमारे मोहल्ले के लोगों की, सोचा जा सकता था कि इसमें कौन की कोई जाती रंजिश है। कोई बात होती हमारे जनाब इलाके की, सिटी की, पाकिस्तान की। लेकिन जब मैंने इस पर तहकीकात की तो पता ये चला कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान के उलमाई मिर्ज़ाइयों को काफ़र नहीं कहते, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम उलमा बशमूल इमाम काबा मस्जिद नबी शरीफ के जो इमाम हैं, गर्ज़ के पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान कादियानियों को मुसलमान नहीं समझते और इन्हें काफ़र समझते हैं। तो मैं ये सोचता कि आखिर क्या वजह है कि क्या ये लोग कुरान नहीं पढ़ते, क्या ये उलमा अहादीस नहीं पढ़ते, क्या इनको ये नहीं पता कि जो दिल से कलिमा पढ़े तो आप उसको मुसलमान समझें। लेकिन ये हमारे अहले मोहल्ला का रवैया और मेरी ये सोच उलमा के बारे में, पूरी दुनिया के उलमा के बारे में, मुझे एक शहरा पे गामजन कर गई। वो ये थी कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक बार मरने से पहले तहकीकात करूं, पढूं मिर्ज़ाइयत की हकीकत क्या है। मैं जस्ट खुद को इसलिए कादियानी कहता हूं, अहमदी कहता हूं कि मेरे घर वाले अगर वो हिंदू होते तो मैं भी बुतों को राम राम करता, अगर वो ईसाई होते मेरे गले में भी स्लीब होती, वो सिख होते मेरा मजहब भी सिखिज्म से होता। तो मुझे एक बार पढ़ना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, देखना चाहिए असल हकायक क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच जो थी मुझे इस तरफ ले गई तहकीकात की, शाहरा पे मैं गामजन हो गया। मैंने इस सिलसिले में चनाब नगर साबिका रबुआ से कादियानियों की सारी बुक्स मंगवाई, उनमें मिर्ज़ा कादियानी की अपनी बुक्स थी। यहाँ मैं कि ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, मैं कादियानियों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ इसी अपने कबूल इस्लाम के इस वाक़े के अंदर ही, कि अम्बिया अलैहिस्सलाम किताबें नहीं लिखते। 1,24,000 कमोबेश अम्बिया अलैहिस्सलाम जितने भी दुनिया में तशरीफ लाए, किसी नबी ने किताब नहीं लिखी, बल्कि अम्बिया पे तो किताबें आसमान की तरफ, आसमान से नाजिल की जाती हैं अल्लाह पाक की तरफ से, खुद से अम्बिया राइटर नहीं होते। तो अगर कोई कादियानी मेरी बात ये सुन रहा है तो मैं उसे दावत इस्लाम देना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 84 किताबें लिखी हैं, जिनको मिर्ज़ाइयों ने रूहानी खजाइन के नाम से प्रिंट किया है। तो खैर, मैंने उन किताबों को पढ़ा, दीगर जो कादियानियत की जो बुनियादी किताबें हैं उनको पढ़ा। तो उनको पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि इस कायनात के अंदर ये सबसे बड़ा कुफर है,
सबसे बड़ा दजल है, सबसे बड़ा फरेब है, जो कि इस्लाम के रूप में मुसलमानों को गुमराह करने के लिए अंग्रेज ने बकायदा प्लानिंग के साथ ये सारा इसका फितना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मैं हकीकत तक पहुंच गया, अल्लाह पाक का मुझ पर खास एक फजल करम हुआ, और मैं समझता हूँ कि मेरे कबूल इस्लाम के हवाले से दर हकीकत जो बेस थी, बुनियाद थी, वो मेरे बचपन के ज़माने में देखा वो मुबारक ख्वाब थी कि जिस ख्वाब के वसीले से रब कायनात ने मेरी आंखें खोली। तो मैं समझता हूँ कि वो भी आपके सामने मैं अर्ज करूँ कि वो ख्वाब मैंने क्या देखा, इसके बाद मेरी क्या फीलिंग्स थी। मैंने बचपन के ज़माने में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहल्ले में तशरीफ़ लाते हैं तो प्यारे आका के मुबारक हाथों में एक फलों का थाल पकड़ा होता है, उसमें बहुत से फल होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फल तकसीम फरमा रहे हैं, लेकिन जब आप तकसीम फरमाते फरमाते हमारी गली में तशरीफ़ लाते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिर्ज़ियों के मकान से पिछले मकान के पास रुक जाते हैं, आगे तशरीफ़ नहीं लाते, कादियानियों के घर में नहीं जाते, उनको फल नहीं देते। मैं सारा मंजर देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि सरकार आगे तशरीफ़ क्यों नहीं ला रहे। लेकिन जैसे ही मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ नाचीज़ की तरफ़ देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निगाहे करम फरमाते हैं, तो आप तबस्सुम फरमा देते हैं। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद मैंने सारा ये ख्वाब मेरे जहन में घूमता है। कुछ अरसे बाद जब मैं तहकीकात करता हूँ, साथ इस ख्वाब के बारे में सोचता हूँ, तो रब्बे कायनात ये फजल फरमा देता है कि ख्वाब के ज़रिए से मुझे ये हदायत मिल गई। मैं समझता हूँ हकीकत ये है, बुनियाद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मर्ज़ियों का बाइकाट करके बतला दिया कि ये गुमराही है, ये दजलो फरेब है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझ नाचीज़ की तरफ देखना, निगाह करम फरमाना, मैं समझता हूँ कि दर हकीकत यही मेरे कबूल इस्लाम का बायस बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन के ज़माने में एक दो मैंने और भी ख्वाब देखे। एक बार मैंने मिर्ज़ा कादियानी को जहन्नम की आग में जलता हुआ देखा। इसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कबूल इस्लाम का ऐलान कर दिया। साथ जब मैंने वो बुक्स पढ़ी मिर्ज़ा कादियानी की, उन बुक्स के अंदर जो मुझे इनके कुफ्रिया बातल अकायद मिले, उसके ज़रिए से मेरी अल्लाह पाक ने आँखें खोलीं। और वो अकायद क्या थे कि जिन किताबों के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने नऊज़ बिल्ला रब्बे कायनात को गालियाँ दी थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह पाक के अम्बिया की शान में नाज़ेबा कलमात कहे थे, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की थी, सहाबाए कराम के बारे में नमाज अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी, उम्मतुल मोमिनीन को गालियाँ दी थी, अहले बैत अतहार के बारे में नऊज़ बिल्ला बुरा कहा था, मक्का मदीना को गालियाँ दी थी, कुरान पाक के अंदर तहरीफात के तूफ़ान खड़े किए थे। तो ये इन सारी चीज़ों को जब मैंने पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैं इनको पढ़ता गया, वैसे वैसे मिर्ज़ा कादियानी से मेरी मोहब्बत, चाहत, अदब के वो सारे बखिए उधरते गए। और आखिर एक दिन वो मुबारक दिन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ताल्लुक़, ये सारे अदब कच्चे धागे की तरह टूट गए, और मैंने मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब पे लानते भेजी, और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दीन इस्लाम को मैंने कबूल कर लिया। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद मुझे एक फ़िक्र थी, जस्तजू थी, और वो ये थी कि जो हमारे घर वाले हैं, जैसा कि मेरे दादा अबू ने इसको कबूल किया, उसके बाद जो हमारी सारी फैमिली थी, ख़ानदान, वो एक भेड़ चाल चलते हुए, ना किसी ने कुछ देखा, ना किसी ने कुछ सोचा, वो इस मर्ज़ियत के अंधे कुएं में गिरते चले गए। तो मुझे ये फ़िक्र थी कि मैं इनको किसी तरह समझाऊं, इनको मैं कायल करूं, दलायल से इनको बताऊं कि आप लोग गुमराह हो चुके हैं, और आपका अगर आप इसी में गुमराही में आपकी मौत हो गई तो ठिकाना जहन्नम है, जहाँ पर आपको कोई नहीं निकाल सकता, कायनात की कोई ताकत, कोई दौलत आपको वहां से नहीं निकाल सकती। तो ये फिक्र थी कि किसी तरह मेरे प्यारे, मेरे घर वाले, मेरे अपने वो जहन्नम की आग में ना चले जाएं। इसी फिक्र की वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन तक दावत पहुंचाई इस्लाम की, मैंने उनको तबलीग की, उन्हें बताया कि जिसको आप इमाम महदी समझते हैं, मसीह मौत ख्याल करते हैं, जिल्ली बरूजी नबी मानते हैं, वो कायनात का बदतरीन काफर था, उसकी क्या आदात थी, उसके क्या अकायद थे, वो क्या कुछ कहता रहा, वो इमाम महदी नहीं था, वो मसीह मऊद नहीं था, वो जिल्ली बरूजी नबी नहीं था, बल्कि वो सबसे बड़ा झूठा था, कज़ाब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी फिक्र के तहत उन तक जब ये मैसेज कन्वे किया तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हुआ, फजल व करम हुआ कि मेरी प्यारी वालदा मोहतरमा मरहुमा, खुदा गरी के रहमत करे, कि आपने अपनी वफात से डेढ़ माह कबल अल्हम्दुलिल्लाह आपने बाकायदा मिर्ज़ियत पे लानते भेजी और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद मेरे दो भाई अल्हम्दुलिल्लाह उन तक मैंने अपना मैसेज कन्वे किया, अल्लाह पाक का फजल व करम हुआ कि वो विद फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मिर्ज़ियत से तौबा की और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद मैंने एक तहिया कर लिया, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया
किया उस दिन से लेके कि मैंने मरते दम तक खत्मे नबूवत का काम करना है और इस अहम मकसद के लिए मैंने, अगर जान जाती है तो कोई परवाह नहीं है, माल जाता है तो कोई परवाह नहीं है, टाइम जाता है तो कोई परवाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इसका ये समर दिया कि अल्लाह पाक के ख़ास फजलो करम से अब तक 150 से ज़्यादा कादियानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत के बाद उन्होंने मिर्ज़ैयत पे लानतें भेजी और सच्चे दीन इस्लाम को उन्होंने कबूल कर लिया। मेरी वालदा ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कबूल इस्लाम के बाद मुझे ये वसीयत की थी कि अगर मैं मर जाऊँ तो कोई कादियानी मेरा जनाजा ना पड़े, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए और जो जनाजा है मुसलमान आलम दीन पढ़े और मुसलमान पढ़ें। तो उनकी वसीयत के मुताबिक जब उनकी डेथ हुई तो मैंने घर में बात की, सारी बरादरी हमारी इकट्ठी हो गई, एक तरफ सारे रिश्तेदार थे कादियानी, तो लेकिन मैंने अपने वाले साहब से कह दिया कि आप लोग मुसलमान नहीं हैं और ये शरी मसला है कि कोई भी कादियानी किसी मुसलमान का जनाजा नहीं पढ़ सकता और मेरी वालदा की ये वसीयत है इसलिए आप जनाजा नहीं पढ़ सकते। खैर उन्होंने काफ़ी जोर लगाने की कोशिश की, कादियानी बुलवा लिए, कादियानी गुंडे आ गए, अल्लाह का फजल हुआ मैंने मुसलमान दोस्तों को बुलाया, उलमाए कराम तशरीफ़ लाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा मेरी वालदा का जनाजा उनसे छीना, एक मुसलमान आलम दीन ने उनका जनाजा पढ़ाया और मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर उनकी वसीयत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उनको दफन किया गया। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे घर वालों को मेरा ये कबूल इस्लाम का ऐलान बड़ा गरां गुजरा। अब इस मकसद के हल के लिए उन्होंने शहर के बड़े बड़े कादियानियों के मुरब्बी कादियानियों के मुबल्लग को कहा जाता है तो उनको बुलाना शुरू कर दिया कि वो मुझे घर आके समझाते कि नऊज़ बिल्ला दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही दीन सच्चा है और वो अहमदियत है, बाकी सब गुमराही है। तो अल्लाह पाक के फजल व करम से इनके बड़े बड़े कादियानियों के मुबल्लग आए, इनके मुरब्बी आए, लेकिन चूंकि मेरी तैयारी थी, मैंने इसको पढ़ा हुआ था, तो मेरे सामने उनका कोई बस ना चलता। इसमें एक मैं बड़ा ही एक दिलचस्प वाकया आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि एक बार मेरे वालिद साहब शहर लाहौर के सबसे बड़े इनके मुरब्बी, उनको बुला के ले आए कि इससे बात करके देखो ये तुम्हें बताएगा कि हमारी जो अहमदियत है ये सच है और बाकी सब गुमराही है। तो जब हमारे घर में आके वो बैठ गया, मैंने कहा मेरी भी शर्त है कि घर के बाकी अफराद भी हमारी गुफ्तगू को सुनेंगे। मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब मैंने मुरब्बी से गुफ्तगू शुरू की तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा मुझे एक बात बताइएगा कि क्या आप कभी थिएटर देखने गए? कहता जी थिएटर देखने तो आवारा किस्म के लोग जाते हैं, फासिक किस्म के लोग जाते हैं, फाजर किस्म के लोग जाते हैं, लुच्चे लफंगे बदमाश अय्यास किस्म के लोग जाते हैं, शुराफा वहाँ पे नहीं जाते, नेक लोग वहाँ पे नहीं जाते, मुत्तकी लोग नहीं जाते। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं जड़ से उठा, मेरे पास किताब थी कादियानियों की, बड़ी मशहूर किताब है, उसका नाम है ज़िक्र हबीब, लिखने वाला है मुफ्ती मोहम्मद सादक जो मिर्ज़ा कादियानी का करीबी मुरीद था और जिसको नऊज़ बिल्ला कादियानी सहाबी रसूल कहते हैं। वो मैं किताब उठा के ले आया, मैंने कहा जी मुरब्बी साहब बताइएगा ये किताब आपकी है? उन्होंने कहा जी हमारी है, लिखने वाला मिर्ज़ा साहब का मुरीद है। कहते जी मुरीद है, आपके चंदों से प्रिंट हुई है? जी हमने प्रिंट की है। मैंने कहा इसके अंदर सफ़ा 18 मैंने खोल के पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा हुआ था मुफ्ती मोहम्मद सादक कहता है कि एक बार मैं थिएटर चला गया जो मकान के करीब ही था और तमाशा खत्म होने पर 2 बजे रात को वापस आया, सुबह मुंशी जफर अहमद साहब, ये भी कादियानी, इन्होंने मुझे देख लिया आदम मौजूदगी में, कहा कि अच्छा मिर्ज़ा साहब के मुरीद भी हो, थिएटर भी जाते हो, तुम्हारी मिर्ज़ा साहब के पास जाके शिकायत करूंगा। आगे लिखा है कि जब वो मिर्ज़ा साहब के पास पहुंचा, जाके शिकायत की कि मुफ्ती साहब रात को थिएटर चले गए थे। अब मुंशी जफर अहमद का तो ये नुक्ता निगाह था कि ये गलत इसने किया, लेकिन आगे वो कहता है कि मिर्ज़ा साहब ने जब सुना तो आपने फरमाया कि एक बार तो हम भी गए थे। मैंने मुरब्बी से सवाल किया कि मुरब्बी साहब आपने कहा कि थिएटर देखने वारा लोग जाते हैं तो आपका मिर्ज़ा कादियानी, फिर आपने खुद ही कह दिया वारा है, थिएटर देखने मुत्तकी लोग नहीं जाते, फिर आपने खुद ही कह दिया कि आपकी मिर्ज़ा साहब मुत्तकी नहीं है। अब कुजा के मेरी वो इस बात का जवाब देता, उसने एक छोटी सी बात की कि जी आप आगे पढ़ें, आगे लिखा हुआ है कि ताकि मालूम हो कि वहां पे क्या होता है। उनका आपने दरमियान की बारह ले ली, आगे पीछे से नहीं पढ़ा। मैंने कहा मुरब्बी साहब मुझे एक बात बताइएगा माजद के साथ, मैं आपके सर पे 100 जूते मारता हूँ तो आप कहेंगे ये क्या? मैं कहूंगा मुरब्बी साहब ताकि मालूम हो क्या होता है, दुनिया के सारे चोर चोरी करें, जज के सामने पेश हों, कहे चोरी की, कहे जी की, ताकि मालूम हो क्या होता है। कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर दे, पूछे जज क्यों किया, कहे ताकि मालूम हो क्या होता है, दुनिया का सारा निजाम भी खराब हो जाएगा ना इस तरह। तो मैंने कहा ये तो कोई आपकी दलील नहीं, जब अल्लाह उसके रसूल ने रोक दिया ऐसी जगहों के पास भी नहीं जाना, तुम जिसको नबी मानते हो वो फिर क्यों गया?
तो अल्लाह के फजल से वो वहां से भागा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारे घर में बड़ा असर हुआ, हलचल पैदा हो गई, हमारे घर के बाकी अफराद सोचने पे मजबूर हो गए। लेकिन ये था कि साथ साथ मेरे बाप ने मुझे एक तरफ से तो ये ज़हनी टॉर्चर ये किया, साथ साथ कत्ल की धमकियां, जायदाद से आग करने की धमकियां, घर से निकाले जाने की धमकियां, साइकिल छीन ली, कॉलेज की फीस रोक ली, गर्ज के जितने भी वो अपनी तरफ से रिएक्शन कर सकता था उन्होंने किया कि उनकी कोशिश थी कि किसी तरह ये दोबारा कादियानी हो जाए। मेरे कबूल इस्लाम के बाद अल्लाह पाक ने मुझसे काम लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कादियानी मज़हब के बारे में, मिर्ज़ा कादियानी की अदात के बारे में, मिर्ज़ा कादियानी की घटिया हरकत के बारे में, इसके बातल नज़रियात वक़ायद के बारे में एक किताब लिखी, एक बड़े ही अछूते टॉपिक पर मुनफरद अंदाज में। किताब का नाम है कादियानियत इस्लाम और साइंस के पहरे में। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के अंदर मैंने एक नया रुख, उस पहलू नए रुख से इस पर मैंने काम किया, नए अंदाज से मैंने काम किया कि मैंने अल्लाह पाक के कलाम से, कुरान पाक से, अहादीस रसूल से, मॉडर्न साइंस से, अक्ल इंसानी से, लॉजिक से, बड़े बड़े नफ्सियात के माहरीन उनकी तहकीकात से और कादियानी कुतब के रेफरेंसेस से ये बात साबित की कि कादियानी जिसको अल्लाह का नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, मैंने बुक्स के अंदर बकायदा ये बात साबित की उन बुक्स के ज़रिए से, अपनी बुक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह के मिर्ज़ा कादियानी को एक शरीफ इंसान कहना भी शराफत की तोहीन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन हुई, पहले इंडिया के अंदर हुई, बाद में मुल्क पाकिस्तान में हमारे हुकूमत पंजाब के सेक्रेटरी हैं जनाब मोहतरमा अहमद अली जफर साहब, उन्होंने इस किताब की इंग्लिश में ट्रांसलेशन पाकिस्तान में की, सिंधी जबान में हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बुक इनके मिर्ज़ियों के पांचवें खलीफा मिर्ज़े मसरूर को भेजी और मैंने उसे कहा कि मुझे इसका जवाब दो, और बावजूद बारहा यादहानी के आज तक दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा कादियानी इस किताब का जवाब नहीं दे पाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ये खास फजल व करम हुआ कि ये किताब पढ़ के अब तक सैकड़ों कादियानी राह रास्त पर आ चुके हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी ज़िंदगी का ये मिशन है, ये मकसद है कि मैं मरते दम तक इंशाल्लाह मैंने दो काम करने हैं। एक तो ये कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं जिनको नहीं पता मिर्ज़ियत के फितने का, जिनको नहीं पता ख़त्म नबूवत के अकीदे की अहमियत का, उन तक ये मैसेज कन्वे किया जाए और उन्हें बताया जाए कि असल हकायक क्या हैं, आप मिर्ज़ियों से ताल्लुकात ना रखें कि आपका ईमान वो बर्बाद कर देंगे, इनकी गुमराही क्या है, इनके बातल अकायद नज़रियात क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा हुआ और हज़ारों मुसलमानों ने मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ियों से उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया। दूसरा मेरी ज़िंदगी का जो इसके बाद जो सबसे बड़ा मकसद है, मिशन है, वो ये है कि कादियानियों तक भी इस्लाम की दावत को पहुँचाया जाए। मैं अपने मुसलमान भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ और वो ये है कि मरते दम तक नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे ईमान रखें, इसका दिफा करें, इज़्ज़त रसूल का पहरा दें। बेशक कायनात में इससे बढ़ के आला बेहतर काम और कोई नहीं है। इज़्ज़त रसूल का पहरा अल्लाह के यहाँ इसका बहुत मुकाम है। वो शख्स जो ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी फजीलत है, उसका बड़ा मुकाम है, उसका बड़ा दर्जा है। तो मैं इसी पे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें रोशनी की तरफ रखे, हमें अंधेरों से बचाए, हमें गुमराही की तरफ से बचाए, हमें फितनों से बचाए और अल्लाह पाक हमारा खात्मा इस्लाम पे करे, इस्लाम पे ही ज़िंदगी गुजार के इंशाअल्लाह इस्लाम पे हमारा अल्लाह पाक खात्मा करे। الله أكبر لا إله إلا الله